चरथावल के गांव रोनी हरजीपुर में बिना सहमति सरकारी जमीन पर स्थापित की गई वीर शिरोमणि धीर सिंह पुंडीक की प्रतिमा देर रात हटा ली गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के 9 घंटे के प्रयास के बाद देर रात प्रतिमा हटाने की सहमति बनी। एसएसपी के ओजस्वी भाषण के बाद ग्रामीण मान गई। प्रतिमा को फिलहाल ग्राम प्रधान की देखरेख में रखवाया गया है। अनुमति की प्रक्रिया पूरी कर अन्य जगह प्रतिमा लगाई जाएगी। दरअसल शुक्रवार की रात प्रतिमा स्थल पर धरना दिया गया। नसीरपुर रोनी हरजीपुर बरालसी दूधली समेत अन्य गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। रात करीब 10 बजे डीएम और एसएसपी भी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि महान योद्धा सबके प्रेरक हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती है। कानून सबके लिए समान है। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि वीर योद्धा के लिए देश में दो गज जमीन नहीं है, ये देश के लोगों के लिए शर्मनाक है। कोई विरोधी हो, किसी को इससे कहो या आपत्ति हो तो अभी हाथ उठाओ, अभी उसका यहाँ से हम कहीं और कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। अगर अधिकारियों के पर अधिकारियों पे दबाओगे, रुक जाओ जी, अभी पहले बात हो जाएंगे। आप अभी इसी बना बोल रहे, अभी बात करेंगे पहले यार। समाज नहीं, आप सुनो भाई, या कोई अन्य व्यक्ति पर भी निर्णय नहीं बनेगा, ये निर्णय सर समाज का है, तो सर समाज की आवाज है, तो ये सही कह रहे भाई। सही बात है, सही बात है। लोग हैं जी, गाड़ा कहाँ कहाँ करे सुनते हैं। बिल्कुल भी यही बात पहले करी थी, यही बात अब है। हमारा काम नहीं है टकराव का, बिल्कुल भी नाम टकराने के हमारा काम नहीं है। ये हम बदनाम करना रे, अरे ये मौके की तलाश में, ये मौके की तलाश में, तो इनका बड़ों का भी तरह समझो। जिस तरीके से समाज के संघर्ष चलते आए, बैठो भाई, सारे बैठो। जो शीर्षस्थ हमारे हैं, वार्ता भी आप लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनके मुख की बात है। उन्होंने कहा है ये मूर्ति हटवाइए, ये मूर्ति वहां नहीं रहेगी। परमिशन अगर आपको लेना है, परमिशन जा करके, आप सब लोग स्वतंत्र हैं, जिस दिन आपकी परमिशन होगी प्रशासन, मैं और आप यहां खड़े होकर के मूर्ति लगवा देंगे। लेकिन जब तक परमिशन नहीं है, द टॉप मोस्ट ऑफिस, उसने स्पष्ट चार शब्दों में कहा इस मूर्ति को हटवाइए। तो जो लोग उनकी बात का आदर नहीं करते हैं, वो मेरे साथ खड़े रह जाइए इस तरफ, और जितने लोग आदर करते हैं इसको इशू मत बनाइए। अब डिस्कशन का हम लोग ऊपर होकर, डिस्कशन से परे हो चुके हैं, इससे ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं कर सकते। आपसे हाथ जोड़े गए, विनती की गई, और ये बड़ी गलत बात है। अपनी ही सरकार में अपनी सरकार को बदनाम करने की साजिश किसी ने रची और उसको उस पे आप लोग चल पड़े, ये तो बड़ी दुविधा की चीज है। मैंने तो बहुत चीजें सोची थी कि मुजफ्फरनगर में आके हम लोग झेलेंगे, लेकिन ये तो पता ही ऐसी चीज झेल रहे जिसको कभी हमने नहीं सोचा था झेलेंगे। आप सबको तो हमारे पक्ष से बोलना चाहिए, कौन से पक्ष से बोल रहे हो भाई? सबका आदर सम्मान है, अगर आप आज ये काम कर लेंगे ना, 15 और जातियां अपने अपने काम कर लेंगे, बोलेंगे मैं फुटबॉल ग्राउंड में लगाऊंगा जी, लगा के दिखाओ। अगला बोलेगा जी मैं बीच रोड पे लगाऊंगा, तो क्या करेगा प्रशासन? नियम कानून छोड़ दें, तोड़ दें सब कुछ, क्या करें बताइए? आप सब लोग महान है, बिल्कुल महान है, हम सबके मूर्ति हारेगी।
यहाँ इस गांव में एक मूर्ति रखी गई थी, उस मूर्ति के लिए परमिशन नहीं थी, बस इतनी छोटी सी बात थी। प्रशासन ने, मैं डीएम साहब, हम सब लोग आए, पूरा प्रशासन ने इनसे वार्ता की, पूरे गांव ने हमारा सहयोग किया और स्वयं इन लोगों ने अपनी मूर्ति उतारी, उसमें प्रशासन ने भी सहयोग किया और इसको हम लोग यहाँ के ही 25 व्यक्ति प्रधान के सुपुर्दगी में दे करके जा रहे हैं। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि चूंकि ये सरकारी ज़मीन है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इससे अब संतुष्ट होकर के प्रशासन भी और हम सब लोग पहले तो इनका धन्यवाद करते हैं और उसके बाद ये जब तक इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग इसके परमिशन के लिए ट्राई करेंगे, अगर परमिशन होती है तो फिर आगे कभी विधि कार्रवाई जो भी बनती है हम लोग उसको करेंगे। थैंक यू।